हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ठीक है, तो आपको पता है कि इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए बिहार की वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के लिए कोर्स स्टार्ट कर चुका है। आपने यूट्यूब पे पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे कि आपके वहाँ पर 5-6-7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, वीडियो पे आपके कमेंटों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे आगे जो अपन ने 3 लेक्चर में पढ़ लिया उनके बाद क्या रहेगा। ठीक है, तो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ कि इंजीनियर्स एकेडमी आपके कमेंट्स और इंक्वायरी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पैड कोर्स स्टार्ट कर रहा है, और हमारा पैड कोर्स, पैड लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव कोर्स है। लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 12 फरवरी से, और उसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है कि पैड क्या, कोर्स कैसे खरीदना है, फीस क्या रहेगी, तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, हमने आपका वहां पर बेस्ट फैकल्टी आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और उन्हीं का आपको वीडियो मिल रहा है, और उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए हमने जो लास्ट 3 लेक्चर थे उनमें अपन लिक्विड वेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और लिक्विड वेस्ट में अपन ने वहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करा था। पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज, सेकेंड लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था वहां पर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज, उसमें अपन ने COD, BOD का अपन ने डिस्कस करा था। तो लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे बीओडी को लैब में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर अपन ने उसमें मेथड का जो नाम दिया था, वो मेथड का नाम था डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन में अपन ने क्या करा था, बीओडी को अपन ने 5 दिन, 5 डे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ने कैलकुलेट करा था, 5 डे एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसको क्या करा था, बीओडी कैलकुलेट करा था। और एज पर द कोड जो 5 डे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बीओडी होती है, 5 डे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बीओडी होती है, उस बीओडी को अपन बोलते हैं वहां पर स्टैंडर्ड बीओडी। उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पर स्टैंडर्ड बीओडी बोला जाता है। 5 डे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बीओडी होती है उसको अपन बोलते हैं वहां पर स्टैंडर्ड बीओडी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि माना कि स्टार्टिंग में आपका वहां पर कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल, मैंने बोल दिया वहां पर स्टार्टिंग में आपके ऑर्गेनिक पार्टिकल एल नोट है, तो आपको पता है कि वहां पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है उसका डीकम्पोजिशन होता जाता है, और टाइम के साथ साथ उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरे के पूरे ऑल ऑर्गेनिक पार्टिकल, पूरे के पूरे वहां पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है, पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, वहां पर डिकम्पोज हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जब वहां पर ऑल द ऑर्गेनिक पार्टिकल क्या हो जाएगा, वहां पर डिकम्पोज हो जाएगा। जब पूरे के पूरे ऑर्गेनिक पार्टिकल डिकम्पोज हो जाएंगे, और इन पूरे के पूरे ऑर्गेनिक पार्टिकल को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोला जाएगा वहां पर अल्टीमेट बीओडी। उसको क्या बोला जाएगा, वहां पर अल्टीमेट बीओडी बोला जाएगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकली क्या देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के दे देता हूं, आएगा ही आएगा कि अल्टीमेट जो बीओडी है, अल्टीमेट या बोल सकते हैं 5 डे जो बीओडी है, 5 डे जो बीओडी है, 5 डे बीओडी क्या होती है वहां पर, अल्टीमेट बीओडी का 5 डे बीओडी, अल्टीमेट बीओडी का कितना होती है वहां पर, 68% होती है। 5 डे जो बीओडी होती है वो अल्टीमेट बीओडी का क्या होती है वहां पर, 68% होती है। यदि मैं लिखना चाहूं यहां पर मैथमेटिकली, तो क्या हो जाएगा, बीओडी 5 डे, बीओडी 5 डे इक्वल टू क्या होगा वहां पर, 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी। आई बात समझ में नहीं है, तो ये हो जाएगा वहां पर बीओडी 5 डे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब अपन ने वहां पर
लैब में अपन बीओडी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि मैथमेटिकली बीओडी कैसे कैलकुलेट करोगे। इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे वहां पर कि मैथमेटिकली बीओडी कैसे कैलकुलेट करनी है। क्या आएगा वहां पर? बीओडी कैलकुलेशन। बीओडी की मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करोगे? बीओडी कैलकुलेशन। देखो बेटा, अपन को पता है यहां पर यदि मैं समझना चाहूं तो क्या आएगा कि जो अपन जैसे अपने यहां पर ये है कर्व बना देते हैं अपन, यहां जो मैं कर्व बना रहा हूं वह टाइम और ऑर्गेनिक पार्टिकल के बीच बना रहा हूं। आपको पता है कि इनिशियल में ऑर्गेनिक पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे और टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी क्या होती जाएगी वहां पर? कम होती चली जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा। तो इनिशियल में ऑर्गेनिक पार्टिकल ज्यादा है, इसका मतलब इनिशियल में ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा है, अपन ने पढ़ा है। टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक पार्टिकल कम होते जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी वहां पर क्या होती जाएगी? वहां पर कम होती चली जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा? इनिशियल में वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल ज्यादा है, तो इनिशियल में वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल ज्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी वहां पर ज्यादा है, बीओडी भी ज्यादा है। टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक पार्टिकल कम होते जा रहे हैं मतलब वहां पर बीओडी भी कम होती जा रही है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होती जा रही है। एक टाइम आएगा जब वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल जीरो हो जाएंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल जीरो हो जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी वहां पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यदि मैं बात करता हूं किसी टाइम टी पर, वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल एल है, किसी टाइम टी पर वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल एल है, तो वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल एल है तो ऑर्गेनिक पार्टिकल के चेंज होने की जो रेट है, ऑर्गेनिक पार्टिकल के चेंज होने की रेट मान लेता हूं कि वो कितना है वहां पर, एल टी मैंने बोल दिया इसको, ऑर्गेनिक पार्टिकल के चेंज होने की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर वहां पर कितने ऑर्गेनिक पार्टिकल प्रेजेंट है, बोलो इसी पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। और ऑब्वियसली वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी कम हो रही है इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, माइनस डी एल वाई डी टी इक्वल टू माइनस एल इन टू टी। डी एल वाई डी टी प्रपोर्शनल टू क्या हो जाएगा वहां पर? एल माइनस एल इन टू टी एल टी। ठीक है, तो आपका पता है कि प्रपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पर कोई ना कोई कोफिशियंट आएगा, तो यदि मैं लिखता हूं यहां पर डी एल वाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू क्या है वहां पर? एल टी। डी एल वाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर? इक्वल टू माइनस के इंटू एल टी। होगा या नहीं होगा? क्या हो जाएगा वहां पर? माइनस के इंटू एल टी। क्लियर है ये? बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, एल टी को इधर भेज देता हूं, टी को उधर ले जाता हूं, तो DL अपॉन LT इक्वल टू क्या जाएगा वहां पर? माइनस के इंटू डी टी। होगा होगा या नहीं होगा? मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, कितनी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो गई, कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई है, मतलब कितनी बीओडी सेटिस्फाइड हो गई है, तो कैलकुलेट करना है। तो अपन को यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेट करनी है कि कितनी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो गई है, तो इसका मतलब इसका अपन को क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है मतलब इसका अपन को क्या करना है वहां पर? इंटीग्रेशन करना है। तो कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है? एल नोट से एल टी तक। तो एल नोट क्या मतलब? टाइम टी जीरो से टी तक, टाइम जीरो से टी तक। तो क्या हो जाएगा यहां पर? इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगा? एल नोट से एल टी। डी एल वाई एल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी। के को बाहर ले लूं, समझदार हो आप, के कॉन्स्टेंट हो तो अपने के को बाहर ले लिया, जीरो से टी, और यहां पर क्या हो जाएगा? डी टी। होगा या नहीं होगा? बोलिए। आपको पता है डीएक्स अपॉन एक्स बन गया एक तरीके से, और डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन टी, लो ई बेस टी, log e base lt, कहां से कहा? l नोट से lt, इक्वल टू हो जाएगा वहां पर k इंटू टी। ठीक है, और यहां पर लिमिट रखोगे k इंटू टी, लिमिट कहां से कहां है? जीरो से t तक। क्या हो जाएगा यहां पर लिमिट रखोगे तो? log e base, लिमिट रखो यहां पर
एल टी माइनस लोग ई बेस एल नोट इक्वल टू हो जाएगा के इंटू टी माइनस जीरो। इसको यदि मैं सोल्व करना चाहूं तो आपको पता है लोग ए माइनस लोग बी क्या होता है, वहां पर लोग ए अपॉन लोग बी होता है, इक्वल टू हो जाएगा के इंटू टी। होगा या नहीं होगा ये बोलिए, ये होगा या नहीं होगा बोलो। जब इसको सोल्व करेंगे तो ई इधर चला जाएगा, ई इधर चला जाएगा, लोग को मैं उधर भेज रहा हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा एल टी अपॉन एल नोट इक्वल टू हो जाएगा वहां पर ई की पावर माइनस के इंटू टी। यहां पर क्या जाएगा एल टी इक्वल टू हो जाएगा एल नोट ई इंटू के टी। बोलो आया नहीं आया, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑर्गेनिक पार्टिकल कितना था, यही मतलब हुआ या नहीं हुआ। तो बीओडी क्या होगा, बीओडी का मतलब क्या होगा कि इस समय कितना ऑर्गेनिक पार्टिकल था और इस समय कितना ऑर्गेनिक, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा वहां पर, कितना ऑर्गेनिक पार्टिकल कम हो गया। जितने ऑर्गेनिक पार्टिकल कम हो गए मतलब उतनी वहां पर बीओडी सेटिस्फाइड हो गई, मतलब उतनी ऑक्सीजन की डिमांड वहां पर क्या हो गई है फुलफिल हो गई है, क्या हो गई है वहां पर फुलफिल हो गई है। तो बीओडी इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, तो बीओडी इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पर अपन बीओडी का मतलब यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन बीओडी के द्वारा रिक्वायरमेंट नहीं निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन निकाल रहे हैं वहां पर बीओडी सेटिस्फाइड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे बेटा, बीओडी सेटिस्फाइड निकाल रहे हैं। तो बीओडी सेटिस्फाइड क्या होगा, बीओडी सेटिस्फाइड क्या होगा वहां पर एल नोट माइनस एल टी होगा, क्या होगा वहां पर एल नोट माइनस एल टी। तो एल नोट एल टी क्या होगा वहां पर एल नोट ई की पावर माइनस के इंटू टी होगा। तो यहां से आपका बीओडी इक्वल टू क्या आएगा, एल नोट अपन ने कॉमन ले लिया वन माइनस ई की पावर के इंटू टी, ये आपकी क्या आ गई वहां पर बीओडी। इसका मतलब आप किसी भी टाइम पर कितनी ऑर्गेनिक पार्टिकल सेटिस्फाइड हो गए या वहां पर कितनी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो गई आप उसको कैलकुलेट कर सकते। यहां पर जो K है, K को क्या बोला जाता है वहां पर डी ऑक्सीडेशन कॉन्स्टेंट, K को क्या बोला जाता है यहां पर डी ऑक्सीडेशन कॉन्स्टेंट। T क्या है टाइम, जिस टाइम पर आप बीओडी सेटिस्फाइड निकालना चाहते हो। L नोट क्या है वहां पर इनिशियल ऑक्सीजन पार्टिकल या ऑर्गेनिक पार्टिकल, इनिशियल ऑक्सीजन डिमांड या इनिशियल ऑर्गेनिक पार्टिकल। बोलो क्लियर है यहां तक, बोलो क्लियर है। यहां अपन ने ई बेस में निकाला, यदि अपन टेन बेस में निकालना चाहें तो लोग ई बेस को टेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो वहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा वहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या था वहां पर लोग ई बेस एल टी अपॉन एल नॉट इक्वल टू क्या था वहां पर ई क्या था माइनस के इंटू टी। तो ई बेस को आपको 10 बेस में कन्वर्ट करना तो क्या जाएगा 2.303 लोग 10 बेस एल टी अपॉन एल नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर के इंटू टी। क्या हो जाएगा यहां पर लोग 10 एल टी अपॉन एल नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो यहां पर के अपॉन 2.303 को क्या बोला जाता है वहां पर केडी, इसको क्या बोल दिया वहां पर केडी बोल दिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया वहां पर केडी। तो केडी रख देंगे यहां पर, क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला लोग 10 बेस एल टी अपॉन एल नॉट क्या बन जाएगा माइनस केडी इंटू टी। तो क्या बन जाएगा यहां से एल टी अपॉन एल नॉट 10 की पावर माइनस केडी इंटू टी। यहां से क्या जाएगा एल टी इक्वल टू क्या जाएगा एल नॉट 10 माइनस के डी इंटू टी। तो यहां से यदि मैं बीओडी निकालना चाहूं तो बीओडी तो वही होगा एल टी माइनस एल नॉट, आएगा नहीं आएगा, तो एल एल टी क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा सॉरी एल नॉट माइनस एल टी। तो बीओडी क्या हो जाएगी वहां पर, बीओडी इक्वल टू हो जाएगा वहां पर एल नॉट माइनस एल नॉट 10 की पावर माइनस के डी इंटू टी। तो आपकी बीओडी क्या हो जाएगी यहां पर, बीओडी इक्वल टू हो जाएगा एल नोट कॉमन आ गया 1 माइनस 10 की पावर माइनस के डी इंटू टी हो जाएगा।
ये क्या हो गया आपकी बीओडी हो गई, हुई या नहीं हुई बताइए। और यहां पर क्या बोल देंगे केडी को, डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट एट द बेस ऑफ 10। और यहां पर डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट केडी हमको क्या बताता है, केडी हमको बताता है केडी की वैल्यू जितनी ज्यादा है मतलब वहां पर क्या है रिएक्शन की स्पीड को बता रहा है, वहां पर रिएक्शन उतनी ही तेजी से हो रही है। केडी क्या बताता है आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द के और केडी, तो यहां पर लिख भी सकते हो आप द डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट, द डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट, द डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट, द डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ बीओडी, रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ बीओडी रिएक्शन, स्पीड ऑफ बीओडी रिएक्शन। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि पूरे की पूरी ऑक्सीजन कब जाके फिनिश होगी या कब जाके डिकम्पोज होगी। बेटा पूरी की पूरी ऑक्सीजन को डिकम्पोज होने के लिए वहां पर टाइम कितना चाहिए, वहां पर इंफिनिटी। मतलब पूरी की पूरी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब वहां पर जो बीओडी है, जो बीओडी है उस बीओडी को अपन एक नाम दे देंगे वहां पर अल्टीमेट बीओडी, उसको अपन क्या नाम दे देंगे वहां पर अल्टीमेट बीओडी बोल देंगे। ठीक है, चेक करते हैं अपन अल्टीमेट बीओडी निकालते हैं। तो बीओडी अल्टीमेट इक्वल टू क्या होगा, एल नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, कितना है हमारा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वहां पर इन्फिनिटी आएगा। तो बीओडी अल्टीमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नोट वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। आपको पता है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो बीओडी अल्टीमेट क्या आएगा आपका, एल नोट के बराबर आएगा। आएगा नहीं आएगा बीओडी अल्टीमेट एल नोट के बराबर, तो बीओडी अल्टीमेट आपका कितना जाएगा, एल नोट के बराबर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या था बीओडी का, बीओडी इक्वल टू क्या होता है वहां पर, एल नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के इंटू टी। तो आप एल नोट की जगह क्या भी लिख सकते हो, आप बीओडी इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट वन माइनस ई की पावर माइनस के इंटू टी। बोलो आएगा या नहीं आएगा ये बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ जो डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट, ऑब्वियसली यहां तक क्लियर है। अब के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इंप्योरिटी पर डिपेंड करेगी कि सीवेज में कौन कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है। यदि वहां पर सीवेज में, वहां पर जो सीवेज है उसमें ऐसी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं वहां पर ऐसी इंप्योरिटी प्रेजेंट है जिसको डीकम्पोज होने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वहां पर केडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। यदि किसी सीवेज में ऐसी इंप्योरिटी प्रेजेंट है उस इंप्योरिटी को डीकम्पोज होने में टाइम कम लगेगा, केडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो के किस पे डिपेंड करेगा वहां पर, के किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ द इंप्योरिटी पर। दूसरा आपको पता है, आपने अभी अभी डिस्कस करा थे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन की वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, बढ़ जाती है। बताइए बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है वहां पर, कम या ज्यादा। बेटा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, वहां पर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन क्या हो जाता है, वहां पर तेज हो जाएगा। और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन भी वहां पर तेज हो गया तो ऑब्वियसली वहां पर केडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी। केडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूं केडी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, केडी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, केडी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, केडी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यहां पर अपन टी डिग्री सेंटीग्रेड पर केडी को वैल्यू निकालना चाहे तो स्टैंडर्ड क्या होता है वहां पर, 20 डिग्री, तो वो आपको गिवन होगा या पता होगा। केडी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल क्या होगा, केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 टी माइनस 20, 1047 टी माइनस 20। आएगा या नहीं आएगा बताइए, क्लियर है या नहीं है बोलो, क्लियर है। चलो अपन एक प्रूफ और करते हैं,
एक प्रूफ और करते हैं, यदि मैं बोलता हूं यदि इफ, आपको अभी अभी अपन ने प्रूफ कर दिया कि अल्टीमेट बीओडी क्या है, इफ अल्टीमेट बीओडी इक्वल टू एल नोट, अल्टीमेट बीओडी क्या है वहां पर एल नोट है, जनरली वहां पर जो केडी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है वहां पर 0.1 पर डे, तो आप निकालो वहां पर बीओडी 5 कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बीओडी 5 कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं बिल्कुल, सॉल्यूशन प्रूव कर रहा हूं मैं यहां पर एक चीज, तो बीओडी 5 इक्वल टू क्या होता है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है बीओडी अल्टीमेट, बीओडी अल्टीमेट कितना है एल नोट इंटू 1 माइनस 10 की पावर माइनस केडी इंटू टी। अब एक कंफ्यूजन रहेगा कि अपन के रहे ई बेस ले या 10 बेस, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि जो डी ऑक्सीडेशन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू ई बेस पे है या 10 बेस पे है, आपको ये चीज क्वेश्चन वाला दे देगा कि वहां पर जो वैल्यू है डी ऑक्सीडेशन कॉन्स्टेंट की वो 10 बेस पे है या ई बेस पे है, वो 10 बेस पे है या ई बेस पे, आपको वो दे देगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया यहां पर कि बीओडी ऑफ द 5D इक्वल टू क्या होगा एल नोट इंटू 1 माइनस 10 की पावर माइनस के इंटू टी है, क्लियर है, आपको केडी की वैल्यू दे दी है, टी कितना है यहां पर 5 है, एल नोट इंटू 1 माइनस 10 की पावर केडी कितना है वहां पर 0.1 और टाइम कितना है वहां पर 5, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा वहां पर बीओडी 5 आ जाएगा, और BOD 5 इक्वल टू क्या आएगा आप जब सोल्व करोगे तो 0.6 इंटू एल नोट है, और अपन ने पहले भी इसको लिखा है, मैंने यहां पर पहले इसको लिखा था, अब इसको प्रूव कर दिया, पहले मैंने यहां पर इसको लिखा था ओनली कि 5 डे BOD क्या होती है अल्टीमेट BOD का 68% होती है, अब मैंने प्रूव भी कर दिया कि 5 डे BOD इज ऑलवेज 5 डे BOD इज 68% ऑफ 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी, 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी होती है, क्लियर है, बात समझ आई या नहीं आई, बोलो बात समझ आई या नहीं आई, तो इसी के बेसिस पर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं यहां पर, एक करो कैलकुलेट, कैलकुलेट वन डे, कैलकुलेट वन डे 27 डिग्री सेंटीग्रेड बीओडी ऑफ, बीओडी ऑफ सीवेज, बीओडी ऑफ सीवेज हुज हुज 5 डे 20 डिग्री सेंटीग्रेड बीओडी, हुज 5 डे 20 डिग्री सेंटीग्रेड बीओडी इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर, इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर, एज्यूम आपको क्या एज्यूम करना है, एज्यूम केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0.1 पर डे, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सोल्व करिए, सिंपल क्वेश्चन है, और बीओडी का से एक दो मैं बोलूंगा दो तीन क्वेश्चन आने पक्के हैं, बीओडी सीओडी और टीएचओडी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहां से दो तीन क्वेश्चन आना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से दो तीन क्वेश्चन आना सबसे यहां से आना ही आना है, यहां से दो तीन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, सोल्व करिए, और आपको जो भी स्टूडेंट अभी नया जुड़ा है उसको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इंजीनियर्स एकेडमी का सॉलिड वेस्ट एनालिसिस के लिए पैड कोर्स लाइव पैड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और उस पैड कोर्स जो हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है वहां पर 12 फरवरी से, और इसकी जो फी है वो वहां पर 5000 है, और जो जल्दी 11 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसको वहां पर 25% ऑफ भी मिलेगा,
तो जल्दी करिए, जितना जल्दी आओगे उतना आपको वहां पर इजी होगा, सस्ता मिलेगा, 25% ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से यहां पर कोर्स खरीद लीजिए, ठीक है। और कोर्स खरीदने के लिए आप वहां पर हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हो। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक दिन की वीओडी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालनी है, आपको 5 डे वीओडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखी है बेटा। तो आपका केडी की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, तो केडी की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होगी, अलग होगी, चेंज हो जाएगी। और आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था केडी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, वहां पर केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 टी माइनस 20 होता है, होता है या नहीं होता है? तो केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, वहां पर 0.1 दे रखा है इंटू 1.047 27 माइनस 20। तो यहां से केडी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, यहां पर 0.1379 आएगा। देखो 27 पर केडी की वैल्यू ज्यादा है, 20 पर 0.1, मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी स्पीड तेज हो गई। मतलब स्पीड तो बताता नहीं बताता। अब अल्टीमेट बीओडी चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस फर्क क्या पड़ेगा, यदि वहां पर केडी की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर पूरी की पूरी ऑक्सीजन जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएगी, और यदि वहां पर केडी की वैल्यू कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओनली टाइम का फर्क पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड तो उतनी ही रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, वहां पर आपको वहां पर 5 डे बीओडी दे रखा है, बीओडी 5 दे रखा है, तो यहां से क्या जाएगा, अल्टीमेट बीओडी आ जाएगा 1 - 10 की पावर - kd × 5। एल नॉट हमको नहीं पता, 5 डे बीओडी पता है कितनी, 100। यहां से क्या जाएगा, बीओडी अल्टीमेट क्या जाएगा, 1 - kd - 0.1 × 5 आएगा या नहीं आएगा। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, बीओडी अल्टीमेट निकाल लोगे, और बीओडी अल्टीमेट कितनी आएगी आपकी यहां से, 146.25 मिलीग्राम पर लीटर आए। आएगी नहीं आएगी बीओडी अल्टीमेट यहां से आपकी, है क्लियर है? बीओडी अल्टीमेट आ गई आपके पास, तो आप किसी भी टाइम के लिए आप क्या निकाल सकते हो, वहां पर किसी भी टाइम के लिए बीओडी निकाल सकते हो किसी भी टेम्परेचर पर। तो आपसे क्या पूछा है, बीओडी वन डे पूछी है, तो क्या हो जाएगा वहां पर, बीओडी वन डे एट द रेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, अल्टीमेट बीओडी इंटू 1 - 10 की पावर - kd × t। अल्टीमेट बीओडी अपन ने अभी भी कैलकुलेट करी कितनी थी वहां पर, 146.25 1 - 10 की पावर - k। बताओ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन केडी कितना कैलकुलेट करा था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर केडी की वैल्यू कितनी आती है वहां पर, 0.1379। कितना है वहां पर, 0.1379। टाइम कितना है वहां पर, 0.1। तो जब सोल्व करोगे आप तो आपकी बीओडी वन डे जो आपसे पूछी थी वहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी आएगी, आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी वहां पर, 39.8 आ जाएगी, 39.8 मिलीग्राम पर लीटर, 39.8 मिलीग्राम पर लीटर आपकी बीओडी आ जाएगी। क्लियर है? तो किसी भी तरह का कोई डाउट है, नहीं है, यदि किसी भी तरह का आपको यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, आप मेरे को वहां पर मेल भी कर सकते हो, और कोई भी यदि वहां पर बैच के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हो, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पे भी कॉल कर सकते हो। और आपको यदि एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7363752334 पर 233497 पर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, किसी भी तरह का यदि आपको कोई डाउट आता है। तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। तो जिन्होंने यहां पर हमारे चैनल पर नया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल,
प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए कि वहां पर नया वीडियो कौन सा आने वाला है। ठीक है, बैच के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल दे ही दी है, तो तब तक के लिए ओके बाय, टाटा सी यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।